मौजूद हैं हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर, जहां पर कावड़ मेले की धूम है। चारों तरफ कावड़िए बम भोले के नारों के साथ कावड़ मेला में झूम रहे हैं। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था बड़ा ही सवाल था, जिसको लेकर लगातार दहोक ने सवाल उठाया और प्रशासन से ये जानने की कोशिश की कि आखिर सफाई में इतनी चूक क्यों है और सफाई व्यवस्था को लेकर सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए, जिस खबर का अब असर देखने को मिल गया है। अभी हम हैं हर की पौड़ी पर और यहाँ पर सफाई को लेकर लगातार सफाई कर्मी लगे हुए हैं, जहाँ पर हमने सफाई कर्मियों से भी बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि सफाई व्यवस्था कब कब हो रही है, कितने शेड्यूल में हो रही है और अब तक कितनी सफाई हुई है, नगर निगम की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है। इन सब विषयों पर हमने बातचीत की, जो आपको इस वीडियो में आगे हम सुनवाएंगे। लगातार हमने ये मुद्दा उठाया था कि हर की पौड़ी पर सावन में खास करके जो सफाई व्यवस्था है वो और बेहतर होनी चाहिए, जिसको लेकर हमने श्रद्धालुओं से भी बात की, पुलिस प्रशासन से भी बात की और लगातार एक मुहिम की तरह हमने इस पर जोर दिया कि हर साल होने वाले कांवड़ मेले को लेकर स्वच्छता में चूक ना हो और इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता थी। इस खबर का असर हुआ और नगर निगम हरकत में आया और इस पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने अब व्यवस्था को और बेहतर किया है। हमने बातचीत की है, चलिए वो आपको सुनवाते हैं। हमारा मीटिंग में गया माया नगर और नगर निगम से दो गाड़ी अप्रूव कराई थी, तो आते इसमें हम अच्छे जो हमारे कर्मचारी की उम्र खबर थी दो छोटे हाथी मिले हुए और एक ट्रैक्टर मिला हुआ, लगातार गाड़ी जा रही है आ रही है जा रही है आ रही है। नगर निगम की टीमें भी लगी पड़ी है, जो जो मिले में आई है उनकी लड़के भी काम कर रहे हैं हमारे साथ, सब मिलकर के साथ काम।